नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केन छु मजा में वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज व्लॉग 1299 एंड गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो अभी जाना है एटीएम क्योंकि संडे को पूजा है, लास्ट नवरात्र पूजा है और मतलब लंगर चलेगा, तो उसके लिए पैसे निकालने जा रहे हैं एटीएम अभी, तो मम्मी जाएंगे सामान लेने, तो उसके लिए भी जा रहे हैं एटीएम। खींच के तो मजा ही आ जाता है, मेरे स्वैग आ जाता है स्वैग। तो अभी आ गए एटीएम, बोल पूछ तो लिख दो भैया। हो गया, अब हैंड सैनिटाइजर कर लो पहले। व्हाट अ लवली ब्यूटी यार, पर गंदी से हो गई है, थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, वैसे है तो मस्त। हमारे सेक्सी बड़ा तरसाया है। थोड़ा अजीब लगता है जब फूड पे हम पैर रखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब गियर पे रख देता हूँ मैं पैर, फिर माल तुलता भैया गलत रखा भाई ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा। मन तो कर रहा है खींचने का पर खींच नहीं सकते ना। इधर 4 गियर से 6 गियर पे आ गया, मजा आ रहा है लेट के चलाने में। ये विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं लगता, एकदम ऊपर से चल जाता है, इस तरह थोड़ा ऊपर करके चलाने में ना तो चेस्ट पे पूरा वो पड़ता है, एक्टिव ही पड़ता था, एक्टिव ही थोड़ा ऐसा हो जाता था, ऐसे में ना सारा मतलब जो एयर है ऊपर से निकल जाता है। 8 अपने में से निकलवाए तो इतना होगा, तो 10,000 तो 10,000 बोले, मैं निकल ले आऊंगा ना फिर निकाल के बाद में, मोला 10,000 में हो जाएगा, तो मतलब आज का काम चल जाएगा, अगर कल के फिर कमेटी है ना ले आऊंगा मैं, कितना पूरा आज दो निकलवा ले, 6 और कमेटी के, अभी अपना कमेटी है एक तो ने टोपी अलग पूरा करी हूं।
और फिर खर्चा करेंगे, दो कमेटी जमा करना है, 8,000 200 के है। तो कितना निकलवाऊंगा? सारे निकाल लेना तो कहाँ टिका। तो तुम कह रहे वो कटेगा का? इसमें नहीं कटेगा। पीएनबी वाला है। हाँ, ये तो 11,000 निकल जाएगा। और उसमें कटेगा जो धनाश वाला है, वो तो हम जाएंगे तभी निकलेगा, उसमें चेक थोड़ी है। एटीएम नहीं है? एटीएम किसका? फिर पीएनबी का तो एटीएम है मेरे पास। पीएनबी वाले का एटीएम उसका है, धनाश वाला के। हाँ तो तुम कह रहे? और वो आंगनबाड़ी वाला के है, धनाश वाले में आता है आंगनबाड़ी का पैसा, लेकिन इसमें नहीं आता। आंगनबाड़ी वाला जो खाता 46 वाला, इसमें नहीं आता। 46 वाला नहीं है, ये 47 वाला है। 47 वाला नहीं, 46 वाला में आता है, और धनाश वाला उसमें नहीं आता है। पंजाब नेशनल वाला जो है, पंजाब नेशनल में आता है आंगनबाड़ी का पैसा, लेकिन आंगनबाड़ी का 46 वाला ऐसे आता, उसमें वो लिंक हुआ है। आंगनबाड़ी सैलरी पंजाब धनाश में आता है। ये है धनाश वाला, ये वाला। हाँ, ये धनाश वाला है। इसी में आंगनबाड़ी के पैसा आता है, इसी में सब्सिडी आता है। जो आंगनबाड़ी की तरफ से खुला था उसमें नहीं आता है लिंक, इसमें आधार कार्ड हुआ था, इसमें आता है। स्टेट बैंक का है ना वो वाला, तो हाँ उसमें कट देगा, उसमें 3,000 नहीं रहेगा, कटता जाएगा। उसमें 3,000 छोड़ना था, 8,000 है तो उसमें 5,000 निकाल लूँगी और 3,000 छोड़ूंगी, तो काफ़ी सही रहेगा। क्या करूँ, जाओ तो बताए लेट में से नहीं आएगा, कब आएगा? तो फर्स्ट टाइम हमारी माता बैठी है, वो भी R15 पे। पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, नर्वस होगी मम्मी। चालीस की स्पीड पे चल रहे भैया, मुझे तो भी ज़्यादा लग रहा है। कुछ नहीं, कैसा लग रहा है पहली मंजिल पे बैठ के? पहली मंजिल पे बैठ के कैसा लग रहा है? मम्मी थोड़ा नर्वस हो गई थी, यहाँ पे कॉलोनी में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि सारे बंदे जो यूनिक चीज करते हैं उन्हीं को देखते हैं, तो थोड़ा यूनिक था कि फैमिलीज पे बैठ नहीं सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कंफ्यूज था, लगता है आगे वाला इधर लेफ्ट जाओ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ। इंडिकेटर अच्छे लग रहे हैं, कोई ना कराएंगे हम भी किसी दिन ट्रेल आईडी। मेरे को रेट दे रहा है, कोल्ड ने दुखी कर रखा है।
अब घर पे जाके करूँगा गरम तेल करके चम्मच पे नाक में ऐसे, उससे सही हो जाता है रोली नुक से। अब स्लो स्लो चलेंगे थोड़ा। इसकी केयरिंग ज़्यादा है, ब्लैक कलर है मैट में, पूरे मट्टी मट्टी हो रखा है। अब जो ग्लोसी वाला ने इस पर स्क्रैच से आगे इस पर लेमिनेशन कराना ही पड़ेगा। ओए क्या होगा, लस्सी हो गई। ये तो लहर होगी भाई, स्टार्टिंग में बंद हो गई ससरी। ये तो बेइज्जती करा देगी भैया, ऐसे काय कर रही हो। बरात की है कोई नहीं चला हुआ, तेज धीरे चलाऊंगा। लो चल रहा हूँ धीरे, स्टार्ट हो जाएगा यार टाइम से। बेइज्जती सी फील होने लगती है यार ऐसे। और मेरी मम्मी ने इसका नाम मालूम है क्या रखा हुआ है? आप भी सुनोगे हंसोगे। पीछे का जो पोर्शन इसका उठा हुआ है ना, तो उसके वजह से कहते हैं गडुल्लर बाइक है, गडुल्लर बाइक। कमेंट में बताना कैसा नाम लगा इसका। गडुल्लर बाइक मतलब उठ थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, तस्वीर उठा के थोड़ी होती है ना, तो इसलिए कहती है गडुल्लर बाइक। शिमला की तरफ से आ रहे हो तो चंडीगढ़ के लिए राइट मुड़ोगे जीरकपुर से, तो जैसे ही आप कुछ दूर जाओगे ना, आपको ठंडी का एहसास हो जाएगा। फिर जैसे आप यहाँ तक आते हैं, वो लाइटें जो आगे वाली वहाँ क्रॉस करोगे, तो थोड़ी और ज़्यादा एहसास होगा आपको ठंड का, क्योंकि अभी थोड़ी लग रही है, मेरी भी ठंड लग रहा मुझे। इसके स्पेसिफिकेशन क्या बताऊँ, सबको ही मालूम होगा R15 की स्पेसिफिकेशन क्या है। मोटा मोटा बता सकता हूँ कि इसका जो पीछे वाला टायर है पॉइंट कुछ BHP की पावर जनरेट करती है, और 155 cc है, एंड मे बी शायद जो पीछे का ड्रम है मतलब डिक्स है जो, वो 282 mm की डायमीटर, 282 mm की है, और जो फ्रंट है 220 है, एंड डबल ABS है, और क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है क्या बताऊँ मैं इसमें। हाँ सिक्स गियर है तो भाई टेढ़ी की जा रही है अभी। हाँ ATM में, और ATM से फिर पैसे निकालो। एक तो मेरे लेफ्ट साइड में नाला है, यहाँ से गुजरते ही ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना पूछो मत। ये नाला है, नाला भी है और जंगल भी है लेफ्ट और राइट दोनों साइड। अब वास तो इतनी गंदी आती है ना पूछो मत यार, नाक साड़ देती है। बस यही मन करता है नाक काट के साइड में रख दूँ या नाकों में कुछ ठूस लूँ, इतनी गंदी वास आती है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबा लेना, और घंटा दबाना मत भूलना मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक और शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। So till then, take care, bye bye, have a nice day.